रात को रेप हुआ, वो गरीब महिला थी, और अभी जाकर के एफ आई आर 3-4 दिन पहले होता है, वो भी मीडिया के उजागर करने के बाद होता है। तो हम लोग अभी अधीक्षक महोदय से बात की, तो बिल्कुल वो पूरे इस मामले को लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस मुद्दे पर सजग है, गंभीर है, और हम लोगों ने मांग किया अधीक्षक महोदय से कि इमीडिएट जो उस विभाग के जो डॉक्टर हेड हैं उनको आप हटाओ, जो नर्स है उसको हटाओ। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के बारे में भी रिपोर्ट आ रही है कि कोई सामाजिक मानवाधिकार का कार्यकर्ता है, उनके घर में जाता है, स्वास्थ्य मंत्री से बोलता है 7 तारीख को 6 तारीख को कि माननीय मंत्री जी आपके हॉस्पिटल में रेप हुआ है, उसको डांट के भगाते हैं कि नहीं ऐसा हो ही सकता है, आप बदनाम करते हैं सरकार को। और आज मंत्री आज ट्वीट करते हैं, जब पूरा मीडिया ने मामला को उठा दिया तो मंत्री जी ट्वीट करते हैं, जब फंसते हैं तो ट्वीट करते हैं, तो मंत्री के अंदर थोड़ा भी शर्म है तो रिजाइन कर देना इस मुद्दे पर। स्वास्थ्य मंत्री है, वो अपने स्वागत में 4-4 घंटे एम्बुलेंस को रोक देते हैं, वो अब उनके हॉस्पिटलों में रेप हो रहा है। तो ये जो सरकार बनी है, मेरा कहना है कि बिल्कुल अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के बल पे सरकार बनी है। आज हॉस्पिटल में रेप हुआ है, कल सड़कों पे रेप होगा, इसलिए हम सरकार का बिल्कुल इस कार्य का आपके मैं निंदा करता हूँ। और आज अधीक्षक से बात किया, अधीक्षक महोदय से इमीडिएट जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है उसको हटाएं, और गिरफ्तारी भी हम बात करेंगे, इसमें मेडिकल ऑफिसर भी गिरफ्तार हो, क्यों नहीं साक्ष्य को मिटाने का भाव में साक्ष्य को मिटा रहे हैं वो, जब रेप हुआ है तो आपने दबा के क्यों रखा। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है, हम लोग दबाने नहीं देंगे। देवेंद्र जी अस्पताल प्रबंधन रूपए का उसको दिया है, और हमको लगता है कि मेरे कहने पर ही हुई जांच इंक्वायरी बैठा है जी। तो वो बोला कि मेडिसिन अफसर भी इसमें रहेगा, हम लोग जो रिस्पॉन्सिबल है जिसके जिसके वार्ड में रेप हुआ है आप उसको जांच में बैठा रहे हो, अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे लोग बिल्कुल हॉस्पिटल के मान सम्मान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर डीसी महोदय या स्वास्थ्य मंत्री या अधीक्षक महोदय को हम चैन से बैठने नहीं देंगे।